हज़रत ख्वाजा गरीबनाथ रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स चल रहा है। ऐसे में अजमेर की दरगाह में लाखों जायरीन आ रहे हैं। उन जायरीनों की जेबों पर हाथ साफ करने वाले चोर गिरोह को आज दरगाह थाना पुलिस से गिरफ्तार किया है, जिनके पास कम से कम 44 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अभी हज़रत सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिद्दीकी की दरगाह में सालाना मिली चल रहा है। लाखों की तादाद में जायरीन मोबाइल जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने सभी जायरीनों से अपील की है कि जो भी दरगाह में आ रहे हैं वह महंगे सामानों की व्यवस्था करें, अपनी खुद देखभाल करें, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जैसे ही दरगाह में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी त्यौहार आता है, ऐसे साथी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। देख रहे हैं सर भाई, जो आरोपी खड़े हैं आईफोन जो महंगे ब्रांड है वह भी यहाँ पर जेबों से चोरों ने चुराई, महंगे मोबाइल फोन चोरी करने वाले है चोर है, जो जायरीनों की जेब पर हाथ के अंदर। हमारा अभी मिनी उर्स है वो आज से शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतते हुए जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, पीड़ित परिवार ने छत के और इसी रास्ते से पूरी जानकारी दी कि चोर कहां से प्रवेश कर सकता है। छत के पूरे रास्ते दिखाए, यहां से चोर अंदर आया था और इसी रास्ते से चोर अंदर घर में प्रवेश करके घर के अंदर रखी नकदी जेवरात लेकर फरार हो गया। यूनिफॉर्म के अंदर भी लगातार निगरानी रख रही है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और जिसमें 44 मोबाइल है ये बरामद हुए हैं। मेरा जो जायरीन आ रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि वो अपने जो सामान हैं उसका थोड़ा ध्यान रखें, और अगर किसी तरह का अगर कोई उनकी पिक पॉकेटिंग करता है या कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां लगता है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि ऐसे बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। सर, इनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में भी पूछताछ है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब हर बार जो त्यौहार होते हैं या कोई मेले होते हैं तो ये गैंगे हैं वो सक्रिय हो जाती है और उस इलाके के अंदर जाती है और वहाँ वारदात करके वारदात के बाद में जो सामान है वो लेकर के अपने गृहस्थान की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। दरगाह के अंदर ही वारदात करते हैं या बाहर भी कर रहे हैं? इनका जो दरगाह एरिया है जिसमें दरगाह के अंदर भी है और दरगाह के बाहर भी, क्योंकि क्राउड ज़्यादा रहती है तो इनके लिए सहूलियत रहती है, तो हमारे भी सिविल के अंदर जाप्ता है वो रहता है और इसी वजह से ये हमारे पकड़ में आए। कितने लोगों का गैंग? अभी 5 लोग हैं वो पकड़ में आए हैं, जिनके पास से 44 मोबाइल है वो बरामद हुए हैं। कोई इनका मुखिया भी है क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और कि ये पहले कब कब आए हैं और इन्होंने कौन कौन सी वारदातें और की है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, और संबंधित थानों से भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त किया जा रहा है। नहीं, अभी इनके पास से मोबाइल ही बरामद हुए हैं, चैन वगैरह बरामद नहीं। यूपी में किसी के चोरी करने वाले हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले हैं? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये आगे ले जाकर के किनको मोबाइल बेचते, इनके गैंग में और कौन शामिल हैं और इनका मुखिया कौन है। ये एक ही गैंग के या इसमें एक ही परिवार के लोग हैं? ये अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। यूपी में किसी के